नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एलिजिबिलिटी फॉर पीपीटी। उसमें नीट का ज़रूरत है कि या नहीं, या फिर अगर कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हैं तक, क्योंकि मैं एक वीडियो पढ़ रहा कमेंट पढ़ रहा था, जिसके आप देख सकते हैं। भाई साहब ने कहा कि अगर पूरी जानकारी ना हो तो वीडियो मत बनाओ, ये एक रिपोर्ट बनाकर दिए एन सी एच पी एक्ट 2021 के जवाब में। आप ये सब कुछ लागू नहीं हुआ है और पहले पूरा एन सी एफ टैग पढ़ो। तो मुझे इस वीडियो में क्लैरिफाई कर देना चाहिए था कि ये जो हैंडबुक निकला था उसके रिगार्डिंग मैंने वो बोला था। वो जो हैंडबुक का डाटा था उसको ही मैंने प्रेजेंट किया था। मेरा मतलब ये नहीं था कि आपको ज़रूरत होगा, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी भी आप जो एडमिशन कर रहे हो उसमें आपका नीट जरूरत नहीं है। खासकर और किस स्टेट के बारे में मैं क्यों बताऊँ, हमारा ओडिशा में अभी तक आपको नीट का जरूरत नहीं है। और जितने भी कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मतलब उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर जो बैठा, जो कि OUHS के अंडर अब हो चुका है, तो उनके लिए आपको नीट का जरूरत नहीं है। क्या क्या जरूरत है मैं आपको बता, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है आपको, फिर भी एक बार और एक बार बता देता हूँ। और मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं भी 1 साल से इस एकेडमिक में हूँ, तो मुझे पता है। दो दो बैच एडमिशन किए हैं मैं जो इस कॉलेज में हूँ, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ गया। अभी आप बीपीटी आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन अभी भी 4 ईयर 6 मंथ्स का है। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, +2 साइंस स्ट्रीम एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, मिनिमम 40% SC ST आप देख सकते हैं। तो अभी भी नीट का जरूरत नहीं है, अभी नीट का जरूरत नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि क्या आपको ज़रूरत होगा तो फ्यूचर में आपको ज़रूरत हो सकता है, अभी के लिए नहीं है। तो पहला तो आपको थैंक यू, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम हो सकता है ये आपने अरेज किया, तो थैंक यू जिसने भी किया है। एंड ये मुझे पता है कि ये रेगुलर लागू नहीं हुआ है, और ये लागू होने के लिए जो एक नोटिस निकाले थे 19 जनवरी तक जो था, मैं आपको दिखाता हूँ नोटिस, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। इस नोटिस पे द ड्राफ्ट करिकुलम ऑफ फिजियोथेरापी इज सर्कुलेटेड इन पब्लिक डोमेन आफ्टर रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ इंटरिम कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन ICHP फॉर सीकिंग कमेंट्स और व्यूज ऑफ जनरल पब्लिक ऑन द सेम। तो इसका जो राय मांगा गया था 19 जनवरी तक था, एंड हमने भी मैक्सिमम आपको दिखाता हूँ, हमारे जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स एंड जो सब हैं, हमने भी ये सब एक मेल किए थे, आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। रिक्वेस्टिंग एवरी वन इन दिस ग्रुप टू प्लीज फॉरवर्ड दिस लेटर टू अबव मेंशन्ड ईमेल सो दैट आवर बीपीटी कोर्स इनटेक कम्स थ्रू नीट एंड द कोर्स ड्यूरेशन बिकम 5 ईयर्स। टुमारो इज द लास्ट डेट, 19 जनवरी तक था, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, मैं हमारे जो फिजियोथेरेपी के साथी हैं उन्होंने सब ने भी ये ईमेल को दिया था ताकि ये लागू हो सके। तो पता है, और एक तो ये हमें पता है, और आपको बता देना चाहता हूँ, इस साल का जो एडमिशन 2023-24 के लिए आप अभी भी एडमिशन कर सकते हैं। लास्ट डेट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 28 फरवरी तक है। तो आप अपने प्राइवेट कॉलेज में कोई भी अगर पास में है, तो अगर एडमिशन नहीं किया अब तक, तो आप अगर चाहें तो एडमिशन कर सकते हैं। मैं उसका भी नोटिस दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में तो अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है पढ़ाई, पर अभी भी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी एडमिशन चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग में ये आपको दिखा देता हूँ, ये था सर DMET के थ्रू। एंड आप देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन मैनेजमेंट एंड ऑनलाइन 28/02/2024। तो एडमिशन चालू है, एंड आप अगर बीपीटी में एडमिशन करना चाहते हैं तो आप अपने घर के पास जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे चाहते हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस में था वो तो ख़त्म हो चुका है, पर अभी भी आप एडमिशन कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड आपको नीट में फिर से बता देता हूँ, आपको नीट का ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही कहना था, एंड मैंने हमेशा ट्राई किया कि आपको जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ।
जो भी मतलब ट्राई करता हूँ, कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है, उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इसके साथ इस वीडियो के एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।